सिंगापुर के जो प्रेसिडेंट हैं गाइस वो इंडियन ओरिजिन से बन गए। इससे पहले कि अगर मैं न्यूज़ दूं आपको, यूके के प्रेसिडेंट भी इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले हैं। अभी आने वाले टाइम के अंदर यूएसए के प्रेसिडेंट भी इंडियन ओरिजिन से बनने जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हम यहाँ पर अपने पुराने माइंडसेट से पीछे नहीं हट रहे। तो मैं ये कहता हूँ, एटम है ना आपके पास, हमें जलील मत करे, हम पर गिरा दे। ही इज द नाइंथ प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर और नौ में से ये चौथे ऐसे हैं जो इंडियन ओरिजिन से। कसूर उनका नहीं, कसूर हमारा अपना। हमें हमें बड़ा नशा चढ़ा हुआ था कि हम सारे मुसलमान दुनिया के इकट्ठे हो जाएंगे। हम तो सिर्फ वो कलमा गो लोग हैं ना, हम तो सिर्फ वो नारा लगा देते हैं जी, नारा तकबीर, बस इससे अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। खाली हम बड़के मारने जोगे लोग हैं, कुछ भी नहीं है हमारे पास। बीच में से हम खोखली कौम है। क्या लगता है कि आपको हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं मौजूदा सूरत हाल में? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। नहीं। क्या इंडिया हमसे ज्यादा ताकतवर है? नहीं, नहीं ताकतवर है। नहीं ताकतवर। कमजोर है हमसे? हम कमजोर है, वो ताकतवर है। अच्छा, वो ताकतवर है। मुझे लगता है समझ आ गई अब सारी आवाम को। यहाँ तक सोचते हैं कि क्या अगर ये मुल्क अलग ना होता तो हम ज्यादा बेहतर हालात में ना होते। हम तो ये सोचते हैं कि जो यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है वो अंग्रेज दौर में हुई है। अगर अंग्रेज राज रहता तो ठीक है, मतलब उस दौर की एक अपनी मसाइल थे, लेकिन डेवलपमेंट और एक जो आज अंग्रेज ने अपने दौर में कर, अपने मुल्कों में कर ली है, तो हम सोचते हैं कि शायद वो हमारे मुल्क में भी होती अगर वहाँ पे, यहाँ पर। सर, अभी भी हमने तो अंग्रेजों से निजात हासिल की ना, आज़ादी ली, और आज हमारी आवाम 70-70 लाख रुपया देकर दोबारा अंग्रेजों के पास जा रही है रहने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो पाकिस्तान को बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अफेयर गॉसिप्स न्यूज़ में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह फिर से एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंडियन ओरिजिन के हैं, और कहा यह भी जा रहा है कि इन फ्यूचर यूएसए के जो प्रेसिडेंट है वो भी इंडियन ओरिजिन के होंगे, जिनका नाम विवेक रामास्वामी है। लेकिन अब जो खबर निकल के सामने आ रही है वो ये है कि सिंगापुर के प्रेसिडेंट भी अब इंडियन ओरिजिन के बन चुके हैं, और इनका नाम थर्मन शान मुगरातना है। और ऐसा भी नहीं है कि ये पहले इंडियन ओरिजिन प्रेसिडेंट है सिंगापुर के, बल्कि ये चौथे इंडियन ओरिजिन प्रेसिडेंट है सिंगापुर के। तो खैर, देखते हैं कि पाकिस्तान की आवाम और इनकी मीडिया इस पर क्या कहती है। सिंगापुर के प्रेसिडेंट भी बन गए इंडियन ओरिजिन से, यूके के प्रेसिडेंट भी, यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं इंडियन, अभी अमेरिका के भी बनने वाले हैं, वो तरक्की पे तरक्की करते जा रहे हैं। कैसे? एजुकेशन भी बहुत मैटर करती है। हमारी एजुकेशन अच्छी नहीं है यहाँ पे? एजुकेशन बिल्कुल भी मेरा अच्छा नहीं है यहाँ तो। गरीब के लिए तो एजुकेशन है ही नहीं। अच्छा। यहाँ पे तो सिर्फ एक खास तबके के लिए है ग्रेजुएशन। आपको लगता है कि इन सिचुएशन के अंदर हम अभी भी कहते हैं कि उनके साथ जंग करेंगे, क्या जंग कर सकते हैं मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है? हालात ही नहीं है यहाँ पे। पहले आवाम को खाना रोटी पहले पूरा मिल जाए, जंग तो बहुत दूर की बात है। वो तो जंग नहीं कर सकते। वो तो एक तो ईमान की ताकत होती है ना, ईमान से जंग लड़ता है मुसलमान, ठीक है। एक तो यहाँ पे ईमान भी बहुत कमज़ोर है लोगों के, तो कहाँ कोई जंग की बात करें। यहाँ पे पहले लोगों को इंसाफ तो दे दें, दो वक्त का खा, दो वक्त का। यही बात अभी देखना कि यहाँ पर कितने लोग आपको गलत कहेंगे, क्या कहेंगे कि भाई हम तो जंग लड़ सकते हैं। मैं किसी एक से भी पूछूंगा, वो कहेंगे कि भाई हम तो सब कुछ कर सकते हैं। जंग लड़ने के लिए आपके पास पावर होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, फाइनेंशियल तौर पर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपकी मईशत के पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप सर्वाइव कर सको। क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं जनाब? कर्ज पे मुल्क चल रहा है। कर्ज पे चल रहा है। आप मईशत की बात कर रहे हैं, कहाँ गए? किसी और से पूछता हूँ, आपसे बात हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इधर आए जरा। क्या लगता है कि आपको हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं मौजूदा सूरत हाल में? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। नहीं। क्या इंडिया हमसे ज्यादा ताकतवर है? नहीं, नहीं ताकतवर है। नहीं ताकतवर। कमजोर है हमसे? हम कमजोर है, वो ताकतवर है। अच्छा, वो ताकतवर है। मुझे लगता है समझ आ गई अब सारी आवाम को। क्या कहना चाहेंगे? हम नहीं कर सकते उनका मुकाबला, नहीं कर सकते। दिस इज नॉट अ बिग न्यूज। ये इसलिए कि ये चौथे, ही इज द नाइन्थ प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर और नौ में से ये चौथे ऐसे हैं जो इंडियन ओरिजिन से हैं। सो सिंगापुर का जो 10% पॉपुलेशन है वो इंडियन है, 10%, और 15% उसका मलय है, और यानी जो मलेशिया के है, और बाकी के सारे चाइनीज एथनीसिटी से ताल्लुक रखते हैं। तो मेजॉरिटी चाइनीज की है सिंगापुर में। सिंगापुर दुनिया का एक वन ऑफ द रिचेस्ट मुल्क बोल सकते हैं आप, इजीली इन द टॉप 3-4 अगर आप पर कैपिटा इनकम
और द बेस्ट गवर्न कंट्री है, गुड गवर्नेंस में उसका रैंक नंबर वन है। वो एक किस्म से डेमोक्रेसी है, मतलब इंडिया बरतानिया जैसे टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन इट्स नॉट ए लिबरल डेमोक्रेसी, यानी सिविल राइट्स पे उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की ज़्यादा आज़ादी भी नहीं है वहाँ पर। तो ये साहब जो इनका नाम है थर्मन शनमुगारत्नम, बेसिकली ऑफ तमिल ओरिजिन से हैं, तो ये काफ़ी मशहूर आदमी है। इनसे मेरी मुलाकात भी हो चुकी है चंद साल पहले। पहले ये कह सकते हैं कि सिंगापुर के चीफ इकोनॉमिस्ट कह सकते हैं आप इनको। सो ही इज़ एन इकोनॉमिस्ट बाय ट्रेनिंग, और सिंगापुर की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, यानी जैसा अब आपके पास जो डॉलर की कीमत ऊपर नीचे जो शख्स डिसाइड करता है उसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, तो वो जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं वो उसके इंचार्ज थे कई साल सिंगापुर में। फिर उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, और अब इलेक्शन जीत के आए हैं, 70% वोट उनको मिली है। इनसे पहले जो सिंगापुर की प्रेसिडेंट थी उसका नाम था हलीमा याकूब, तो वो महाजबा हिजाब पहनने वाली मुसलमान खातून थी। शी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर, लेकिन वो भी इंडियन ओरिजिन की थी। तो लोग भूल जाते हैं कि उनके फादर हलीमा याकूब के जो फादर थे वो इंडियन थे, उनकी जो मदर थे वो मलय थी, बट फादर का इंतकाल जल्दी हो गया था, ही डाइड व्हेन शी वाज 8। सो जो वो तीन चार बहनें दे ग्रो अप विद अ सिंगल मदर, तो मेरे ख्याल से उनका कल्चरल वगैरह सारा कॉन्टेक्स्ट मलय हो गया, बट द फादर वॉज ऑल्सो ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो कह सकते हैं कि देर आर फोर प्रेसिडेंट, जो पहला प्रेसिडेंट था सिंगापुर का वो भी इंडियन ओरिजिन के थे, और जो द लॉन्गेस्ट सर्विंग है एक नथान नेथन कहते हैं उसको, उनका नाम आई डोंट नो हाउ ही प्रोनाउंसेस इट इन द इंडियन वे, तो वो भी सो द फर्स्ट, फिर बीच में एक आए थे 2011 के करीब नेथन थे, वो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट रह चुके हैं सिंगापुर के, फिर हलीमा याकूब और अब शनमुगारत्नम साहब जो है। तो दीज आर द फोर प्रेसिडेंट्स ऑफ सिंगापुर, जो 9 में से 4 आर ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।